नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फभे अंसारी। न ही फूटा नारियल न ही किया शिलान्यास। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 35 की, जहां आज महापौर नूतन राठौर द्वारा सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया जाना था, लेकिन मौके पर पहुंचने के बावजूद भी ये बगैर शिलान्यास करे ही लौट गईं। जब हमने इस संदर्भ में वार्ड के पार्षद अवनींद्र यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि जिस सड़क निर्माण का आज शिलान्यास होना था, वहीं मोहल्ले में ही दो परिवार में लड़कियों की शादी थी, जिसके चलते कुछ सड़क निर्माण का कार्य पहले ही करा दिया गया, जिसको देख कर महापौर नूतन राठौर भड़क गयी और बगैर शिलान्यास किए ही लौट गईं। वहीं मौजूद लोगों द्वारा भी बताया गया कि महापौर नूतन राठौर द्वारा सिर्फ खोखले दावे किए जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर देखें तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा रहा जिससे फिरोजाबाद की जनता खुश हो। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पे अभी एक सड़क निर्माण का उद्घाटन होना था, क्या समस्या रही जिसकी वजह से अभी तक नहीं पाए? इसमें ये यहाँ पे दो लड़कियों की बारात आनी थी, हमने नालियाँ वालियाँ बनवाई, गली टूटी पड़ी थी, गट्टा डलवा दिया, इसी वजह से महापौर जी इसको उद्घाटन करके नहीं गई है। परसों हमको 2 बजे का टाइम दे दिया, 2 बजे से हम बैठे रहे, फिर आप मना कर दिया, हम नहीं कर आज नहीं आ रहे। कल हमको फोन किया कि 15 मिनट में उद्घाटन करने आ रहे हैं, कल हमको टाइम नहीं था। आज महापौर जी बिना उद्घाटन किए चलिए इसका। कौन सा वार्ड पड़ता है यह? वार्ड नंबर 35। तो कब से यहाँ सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है? सड़क निर्माण का कार्य कराया हमने करीब 20 दिन पहले से। यहाँ लड़कियों की बारात आनी थी, इसी वजह से हमने रोड बनवा नालियाँ बनवा दी थी और गिट्टा डलवा दिया था। तो क्या ये समस्या उनको अवगत कराई थी आपने? हम उनसे टाइम मांग रहे हैं कम से कम 1 महीने पहले से कि वो रोड का उद्घाटन होना है, उद्घाटन होना है। क्या समस्या, आखिर क्या समस्या रही जिसकी वजह से उन्होंने उद्घाटन नहीं किया? अपने ये लगा कि रोड बन चुकी है आधी। कौन सा वार्ड है यहाँ? 35 वार्ड नंबर 35। अभी यहाँ एक सड़क निर्माण का उद्घाटन होता, क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं हो पाया? वजह ये महापौर जी आई, थोड़ी सी समस्या पार्षद जी ने करा दी थी, जो बारात वगैरह आ रही थी, वो समस्या वो काम देख के वो थोड़ा सा नाराज हो गई कि मुझे नहीं पूछा, बताइए जहाँ बारात आ रही है, हम महापौर जी घर जाए पूछने के लिए? समस्या यहाँ है, अब पूजन के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और हम पूछने के लिए वहाँ जाए, बताइए। और फिर सारा कार्य भी अच्छी तरीके से हो रहा है, सड़क स्टार्ट बनना हुई है, कोई बन नहीं पाई है, थोड़ी सी 4 इंच लग पाई है गिट्टा डलने के बाद, इतना ही देख के भड़क गई कि मुझे क्यों नहीं पूछा। आप देख रहे हैं लगातार महापौर जी फिरोजाबाद को नंबर 1 सिटी बनाने के लिए कह रही है, क्या लग रहा है आपको फिरोजाबाद नंबर 1 सिटी बना हुआ? 1 सिटी आप देखिए पीछे नगरा भाव के पीछे जाके, कम से कम 50 गलियां पड़ी हुई है, नंबर गली की बात कर रहे हैं, नंबर 4 पे भी आ जाए। अंकित योगा क्लासेस की तरफ से फिरोजाबाद के समस्त जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। BS Sons and Company Electronics Furniture House फिरोजाबाद की तरफ से समस्त जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। चंदन कुमार वाल्मीकि नगर संगठन मंत्री उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ नगर निगम फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव ट्रेडर्स बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सप्लायर्स की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जैन भोजनालय की तरफ से फिरोजाबाद के समस्त जनपद वासियों को नववर्ष व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।